देखिए दोस्तों बात की जाए कि समाज में हमारे में ये जो दहेज हत्या है ये काफी बढ़ चुकी है या तो ये कह लो कि दहेज के लोग ही बढ़ गए हैं या कोर्ट में है वो जितने भी केस आप क्रिमिनल में देखने को नहीं मिलेंगे इतने केस इन घरेलू हिंसा में देखने को मिलते हैं जानेंगे कि जो आईपीसी की धारा तीन सौ भी है इसमें कितनी सजा मिलती है पर व्यक्तियों पर यह धारा लगाई जाती है सारी चीजें जानेंगे विद द एग्जाम्पल चलिए देखेंगे पहले हम पढ़ते हैं इसकी परिभाषा परिभाषा क्या है देखिए दहेज की परिभाषा देश के कानून में दहेज शब्द को दहेज निषेध अधिनियम 1961 में परिभाषित किया गया था कब किया गया था दहेज निषेध अधिनियम 1961 में परिभाषित परिभाषित किया गया था जो कि आज भी बहुत प्रचलन में चल रहा है जोरों शोरों से चल रहा है ये कहिए आप आगे देखते हैं आगे कह रहा है इसमें इस अधिनियम के अनुसार विवाह में भाग लेने वाले दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष के माता पिता या किसी अन्य व्यक्ति ने किसी दूसरे पक्ष अथवा किसी अथवा किसी व्यक्ति को विवाह के समय विवाह के पहले या विवाह के बाद विवाह की एक आवश्यक शर्त के रूप में संपत्ति या मूल्यवान वस्तु दी हो या देना स्वीकार किया हो यह दहेज की श्रेणी में आएगा जी साथियों ये हमारी इंडिया में काफी प्रचलन चल रहा है कि अगर कोई भी बाप हुआ अपनी बेटी की अगर शादी करता है तो दहेज में कुछ ना कुछ जरूर देता है जो कि एक आ, कोई भी सामान हो गया एक्सपाइजर्ड कुछ भी ले लो तो उसे आप क्या रूप दिया जाता है दहेज का ही रूप दिया जाता है उसे ठीक है तो वो दहेज की श्रेणी में आएगा चाहे कुछ भी सामान हो कोई भी सामान हो एक्स वाई जेड दहेज की श्रेणी में ही वो आएगा साथियों आगे कहता है इस अधिनियम के तहत दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध घोषित किए गए हैं लेकिन इसका उल्टा हो रहा है क्या हो रहा है पता है लेने वालों को भी पता है कि ये अपराध है देने वालों को भी पता है ये अपराध है लेकिन इसके बिना तो कोई बात बनती ही नहीं है चाहे अपराध की श्रेणी में आए चाहे जघन्य अपराध हो ये लेकिन इसके बिना कोई बात नहीं बनेगी इसके बिना बात बनना तो दूर रही कि कोई शादी भी मुश्किल ही होगी अगर ये ना हो दहेज अगर कहीं लड़का भी देखने जाते हैं तो पहले पूछा जाता है कितना खर्च करवाओगे जी हाँ साथियों पहले पूछते हैं कि कितना खर्च करवाओगे अगर लड़का नौकरी वाला मिल जाए तो बस उसकी तो बल्ले बल्ले फिर कहते हैं कि पंद्रह से बीस लाख में तो पट्टी जाएगा चलो छोड़ो ये कभी खत्म नहीं होना इसके बावजूद हमारे देश में लगातार हत्या के मामले में कोई कमी नहीं है खूब बहुत सारा पैसा देते हैं माता पिता खर्च करते हैं दहेज के रूप में बहुत सारी चीजें सामान एक्स वाई जेड गाड़ी वगैरह और प्लॉट वगैरह जो भी पॉसिबल होता है वो सारी चीजें दे देते दे। हैं लेकिन दहेज हत्या के मामले में कोई कमी नहीं है इतना सारा कुछ देने के बावजूद भी दहेज हत्या में कोई कमी नहीं है ऐसा ना हो कि लगाम लग रही हो इन पे लगाम भी नहीं लग रही है देने के बाद भी कोई कमी नहीं आ रही है ये कि के और केस बढ़ते जा रहे हैं दहेज हत्या का अर्थ अर्थ क्या है यदि किसी महिला को उसके पति द्वारा दहेज ना देने या पर्याप्त दहेज ना देने के कारण मार दिया जाता है देखिए एक तो होता है कि दहेज दिया ही नहीं तो मार दिया जाता है एक बात होती होती है कि दहेज दिया भी है फिर भी उसकी जो भावना होती है कि वो ये कहता है कि नहीं और मिलना चाहिए था यानी जो इच्छा शक्ति है वो बढ़ती जाती है क्या होता है पर्याप्त यानी पर्याप्त दहेज नहीं है ये फिर भी मार दिया जाता है दहेज मिलता है लेकिन पर्याप्त नहीं था ये उसके लिए ठीक है तो यह हत्या दहेज हत्या के रूप में दर्ज होगी क्या होगी यह हत्या दहेज हत्या के रूप में दर्ज होगी दहेज हत्या के मामले को आई की धारा तीन बी में दर्ज किया जाता है कौन से में दर्ज किया जाता है साथियों दहेज के पीछे अगर कोई हत्या होती है तो धारा तीन बी में उसे दर्ज किया जाता है दोस्तों दहेज हत्या के मामलों में निपटने के लिए आईपीसी की धारा 304 सौ बी का उपयोग किया जाता है ऐसे मामलों को निपटने के लिए धारा 304 सौ बी लगाई जाती है आगे देखते हैं आगे और क्या कहता है आगे कहता है धारा चार ए और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा एक सौ बी में विशेष प्रावधान किया गया है कि आईपीसी की धारा 304 बी के तहत इस अपराध को दहेज हत्या कहा जाएगा दहेज हत्या कहा जाएगा जबकि धारा चार ए में पति या पत्नी के रिश्तेदार सॉरी पति या पति के रिश्तेदार जो महिला को क्रूरता के अधीन करता है उनके द्वारा की गई क्रूरता के अपराध के लिए अपराध के लिए भारत साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट क्या है भारत साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट में नई धारा एक भी को जोड़ा गया था इस धारा के अनुसार किसी महिला की मृत्यु को उसकी मृत्यु से पहले या उसके साथ या उसके साथ क्रूरता या उत्पीड़न किया गया है ऐसे मामले में आरोपी व्यक्ति को दहेज मृत्यु के लिए दोषी माना जाएगा बात समझे भाई नहीं समझे यानी यह कह रहा है कि, कि यह कह रहा है कि इस धारा के अनुसार किसी महिला की मृत्यु को उसकी मृत्यु से पहले या उसके साथ क्रूरता या उत्पीड़न किया जाता है देखिए या तो मृत्यु होने वाली हो जब कर रहा हो यानी ऐसी कोई क्रूरता की जाए कि जिसके कारण वो मर जाए यानी ए नाम की महिला है और बी नाम का व्यक्ति है इससे ऐसी क्रूरता करता है कि वो मर जाए और यहां फिर इससे पहले इससे पहले कोई क्रूरता करता है कि वो उसे मार डालने की पूरी इंटेंशन रखता हो तो दहेज मृत्यु के लिए दोषी माना जाएगा साथियों क्या माना जाएगा दहेज मृत्यु के लिए दोषी माना जाएगा आईपीसी की धारा 304 बी इस धारा के अनुसार किसी महिला की मृत्यु जलने या शारीरिक चोट या सामान्य परिस्थितियों के अलावा किसी देखिए किसी अन्य कारण से हुई है और उसकी शादी को सात साल टाइम पीरियड देख लीजिएगा कितना होता है सात साल से कम वक्त हुआ है यानी सात साल से अगर कम वक्त हुआ है सबसे मेन बात यही है जानने की सात साल से अगर कम वक्त हुआ है मृतक महिला को उसके पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा की गई क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा हो फिर दहेज की मांग को लेकर मृत्यु से ठीक पहले क्रूरता दहेज की मांग को लेकर मृत्यु से ठीक पहले क्रूरता बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये इसे समझिएगा उत्पीड़न किया गया हो दहेज की मांग को लेकर क्रूरता या उत्पीड़न किया गया हो ऐसी मृत्यु को दहेज हत्या माना जाता है जी साथियों ऐसी मृत्यु को क्या माना जाएगा दहेज हत्या माना जाएगा साथियों शादी के सात वर्ष बाद आईपीसी की धारा तीन सौ में दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज करने के लिए सबसे पहली शर्त विभाग के सात वर्ष के भीतर की अवधि की है यानी सबसे पहली शर्त क्या होगी कि धारा 304 बी कब कैपिवेल हो सकती है कब हो सकती है कि सात साल के भीतर सात वर्ष के भीतर की अवधि अगर मृतक महिला की मौत विभाग के सात वर्ष के भीतर ना होकर सात वर्ष के बाद हुई हो तो इस धारा के तहत आरोपी नहीं माना जाएगा यानी यह आरोप नहीं लगाया जा सकता अगर सात वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हुई है एक केस के माध्यम से समझते हैं देखिए साथियों एक केस के माध्यम से हम समझते हैं इसे एक केस था संजय कुमार जैन बनाम दिल्ली राज्य का था संजय कुमार जैन बनाम दिल्ली राज्य के मामले में यह कहा गया था कि धारा 304 बी के तहत किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए अदालत द्वारा सात साल की सीमा का पालन किया जाना चाहिए और उन मामलों में जहां मौत सात साल बाद के परिवार अन्य उपचारों का उपयोग कर सकते हैं आगे देखते हैं क्या कहा गया है आगे कहा गया है जैसे कि धारा 302 जो हत्या के लिए दंड देती है ऐसा नहीं है कि शादी के सात साल हो गए और सात साल बाद अगर पत्नी मर जाती है तो उस पर धारा 304 नहीं लगेगी साथियों ये आप बहुत बड़ी भूल कर दोगे कि अगर सात साल बाद पत्नी मर जाती है तो हम धारा 304 सौ भी से बिल्कुल फ्री हो गए ये कतई मत सोच लेना जैसे कि धारा 302 जो हत्या के लिए दंड देती है या चार सौ अट्ठानवे ए जहाँ पति या उसके परिवार द्वार द्वारा दहेज के लिए क्रूरता की गई है तो किसके अंडर में आओगे आप इसके अंडर में आओगे ठीक है साथियों इसके लिए धारा चार सौ ए के तहत दहेज के लिए उससे क्रूरता की गई थी इसीलिए उसे मार डाला अभियोजन पक्ष की जिम्मेदारी क्या जिम्मेदारी होती है यह तय होने के बाद कि मृत्यु सात साल की सीमा के भीतर हुई है अभियोजन पक्ष द्वारा यह साबित करना आवश्यक होता है क्या साबित क्या साबित करना आवश्यक होता है कि मृत्यु सात साल के भीतर हुई है ये साबित करना आवश्यक होता है कि महिला अपनी मृत्यु से पहले अपने पति या परिवार के सदस्यों से क्रूरता से गुजरी थी क्या थी मृत्यु से पहले अपने परिवार के सदस्यों के क्रूरता से गुजरी थी यानी उसके साथ ऐसा व्यवहार किया गया था मरने से पहले कि उसे मार ही डाला बहुत ही आपत्तिजनक स्थिति उसके साथ कर दी थी जैसे कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा एक कहा गया है एक एक है आपका शांति बनाम हरियाणा राज्य के मामले में महिला को उसकी शादी के सात साल के भीतर मार दिया गया था लेकिन उसके मारने के बाद उसके परिवार को मौत के बारे में ससुराल वालों द्वारा सूचित नहीं किया गया और उन्होंने पीड़िता का अंतिम संस्कार कर दिया मामले में अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सक्षम था कि क्रूरता हुई है और इसीलिए अभियुक्तों पर दहेज हत्या की धारा 304 बी के तहत यह अनुमान लगाया गया था कि मृत्यु उनकी वजह से ही हुई है सात साल के भीतर उसे मार दिया गया था और अभियोजन पक्ष यह साबित कर दिया कि मृत्यु जो है आ, हुई थी उसके पहले उस पर क्रूरता की गई थी साथियों दहेज के लिए क्रूरता उस पर की गई थी तो तीन बी के वो दंडनीय अपराधी होंगे धारा तीन बी आईपीसी क्या है सजा और अपराध देखिए क्या है सजा का प्रावधान दहेज हत्या का अपराध एक गैर जमानतीय और संजय अपराध है यानी कॉग्नेजेबल ऑफेंस की श्रेणी में यह आता है जिसके लिए आसानी से जमानत नहीं दी जा सकती है आसानी से जमानत में नहीं मिलती है साथियों आईपीसी की धारा 304 बी के लिए दोषी व्यक्ति को कम से कम सात साल से लेकर आजीवन उम्र कैद की सजा तक सुनाई जा सकती है प्लस जुर्माना भी उसपे लगाया जा सकता है साथियों तो ये थी आज आपकी 304 बी की क्लास जो कि दहेज हत्या के मामले में थी ये आज आपको क्लास कैसी लगी या कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा साथियों आगे एक नई जानकारी लेके एक नई धारा लेके आपके सामने फिर हाजिर होता हूं तब तक के लिए बंदे मातरम जय हिंद दोस्तों